Hi guys, welcome to our channel Yes to Healthy Life. How are you guys? I hope you all are doing good. So guys, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैंने अभी एक अपनी स्टोरी शेयर करी थी इंस्टाग्राम के ऊपर कि मैं 1 वीक का वेट लॉस चैलेंज करने जा रही हूँ. सो आई डिड दैट चैलेंज. स्टोरी डालने के थोड़ा देर बाद किया था चैलेंज बिकॉज मैं बहुत बिजी चल रही थी. सो दैट्स वाई सो मैंने 1 वीक पहले वो चैलेंज किया एंड टुडे वाज द लास्ट डे. सो मैंने आज अपना वेट चेक किया. सो मुझे पता चला है कि दैट मैंने एक हफ्ते में दो से ढाई किलो वेट लूज किया है अपना. सो विच इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी. सो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैंने क्या डाइट फॉलो करी और उस चैलेंज में क्या क्या था, क्या एक्सरसाइज करी है मैंने, सो फॉर दैट प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. सो चलो शुरू करते हैं वीडियो के साथ. सो सबसे पहले गाइज, आप लोगों को पता होगा दैट मैं घर गई थी. सो घर जाने की वजह से मैंने थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया था क्योंकि घर पे मैंने सारा घर का खाना और जो भी चीजें यू नो ना, मतलब कैसे, सो दैट इज व्हाई इट वॉज हाई टाइम कि मुझे थोड़ा वेट लूज करना था. आई एम नॉट वेट कॉन्शियस बेसिकली, मतलब मुझे नंबर से फर्क नहीं पड़ता है कि मैं 55 हूँ 56 हूँ. मुझे बेसिकली हेल्दी रहना पसंद होता है. सो दैट इज आई मीन द बिगेस्ट कंसर्न फॉर मी. सो ये देखते हुए मैंने सोचा कि अभी एक हफ्ते का वेट लॉस चैलेंज करके देखती हूँ बिकॉज मेरे को ज़्यादा अपनी बॉडी को पुश करना पसंद नहीं है. बट लेकिन मैंने किया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. ट्रस्ट मी, एक हफ्ते के बाद जो मेरी मेरी फीलिंग है राइट नाउ, आई एम फीलिंग सो लाइट एंड कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट. सो सबसे पहले मैं बता दूं कि उस चैलेंज में था क्या क्या. मैंने कुछ ज़्यादा हाई एंड डाइट फॉलो नहीं करी है. लाइक मैं बिल्कुल ही सूप एंड सैलड्स के ऊपर नहीं गई हूँ. मैंने नॉर्मल घर का खाना रखा है. सो सबसे पहले जैसे ही दिन शुरू होता था, स्टार्टिंग में मेरा होता था वॉर्म लेमन वाटर. इट्स अ मस्ट, उसके बिना आप अपना डे शुरू नहीं कर सकते हो. आई मीन मैंने नहीं किया. सो वॉर्म लेमन वाटर और उसके आधे घंटे के बाद 5 आमंड्स और उसके बाद होता था ब्रेकफास्ट. सो ब्रेकफास्ट में मैंने पूरा एक हफ्ता एग्स खाए हैं. एग्स आप चाहे आप ऑयल खा सकते हो या फिर आप स्क्रैम्बल्ड एग्स खा सकते हो या फिर एग एंड टोस्ट खा सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन यू. पर आप कोई पराठा नहीं खाओगे, कोई भी ऑयल या बटर ऐसी वाली कोई चीज़ नहीं खाओगे. सो मैंने सिर्फ एक हफ्ता एग्स खाए हैं. सो उसके बाद मैं चली जाती थी यूनिवर्सिटी और उसके बाद आता था लंच का टाइम. लंच में अगेन मैंने नॉर्मल घर का खाना रखा है. मैंने जैसे बोला सैलड सूप ऐसी डाइट्स पे नहीं गई हूँ. नॉर्मल चपाती सब्जी या फिर दाल चावल जो भी होता था, बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. ऐसा नहीं है कि अगर आप घर का खाना खा रहे हो तो आप अनलिमिटेड खा सकते हो. लाइक 4-5 रोटी या 5-6 2 रोटी सब्जी, और अगर आपको साथ में कर्ड भी लेना है और सैलेड भी ले रहे हो देन 1 रोटी सब्जी कर्ड और सैलेड. ये हो गया लंच. और उसके बाद मैं कोशिश करती थी कि दिन में 2 लीटर पानी जरूर पीऊं. सो अगर आप भी स्टार्टिंग में नहीं पी पाओगे, आप पहले ही दिन 2 लीटर पानी, इट्स आई मीन डिफिकल्ट फॉर यू. धीरे धीरे कोशिश करो, पहले 1 लीटर पियो, फिर 1.5 लीटर नेक्स्ट डे, फिर 2 लीटर, ऐसे करके आप 2 लीटर पे पहुंच जाओगे. सो देन मेक श्योर कि 2 लीटर पानी पीऊँ. मैं ये कर रही थी और उसके बाद ये भी ट्राई करती थी कि अगर मैं वार्म वाटर पी पाऊँ पानी, लाइक 2 लीटर पानी में इंक्लूडेड जो है, जो उसको वार्म वाटर के तौर पे पी पाऊँ बिकॉज वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. सो जब भी पॉसिबल होता था वार्म वाटर पीती थी. एंड उसके बाद आप आई मीन आई एम अ टी लवर, मैं टी के बिना नहीं रह सकती हूँ. सो मैंने क्या किया है, 1 स्मॉल टीस्पून जो होता है 1 टीस्पून ऑफ शुगर मैं अपनी चाय में डालती थी और चाय पीती थी. दैट्स इट. उसके अलावा नो शुगर इनटेक, अदरवाइज आपका वेट लूज जो है वो नहीं होगा. उसके बाद आता था इवनिंग का टाइम. सो इवनिंग में मैं एक्सरसाइज करती थी. एक्सरसाइज के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस की हेल्प से मैंने एक्सरसाइज करी है बिकॉज आई एम नॉट अ फिटनेस ट्रेनर और ना ही मैंने जिम ज्वाइन किया है बिकॉज मैंने सिर्फ अभी ट्राई करना था दैट मैं 1 वीक रेगुलर रह सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मैं बेसिकली आई रियली डोंट लाइक वर्किंग आउट. बट क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हो पाती हूँ टाइम मैनेजमेंट की वजह से, सो दैट इज़ वाई मैंने घर पे ही एक्सरसाइज करी यूट्यूब से वीडियोस देख देख के. एंड एक्सरसाइज में ये नहीं है कि आप नॉर्मल वॉकिंग ही कर रहे हो सिर्फ, आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है तभी एक हफ्ते में फ़र्क आएगा. अगर आपको ऐसा है कि आपको लाइक इमीडिएटली ऐसा है कि एक हफ्ते में जल्दी कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज से भी स्टार्ट कर सकते हो. लाइक स्टार्टिंग में वॉकिंग रनिंग और उसके बाद हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पे जा सकते हो.
वर्कआउट हुआ, उसके बाद टाइम आता था डिनर का। डिनर में मेरा होता था कि 7 या 8 बजे तक मैंने डिनर करना है। अगेन घर का खाना, कोई सैलेड सूप नहीं होता था या कुछ भी ऐसा नहीं, नॉर्मल घर का खाना, बट 7-8 बजे से पहले, उससे लेट नहीं होना चाहिए। डिनर हो गया, उसके बाद सोने से पहले 1 गिलास ऑफ वार्म वाटर, दैट इज ऑल्सो मस्ट, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी बॉडी पूरी रात जो है, थकी होती है, एंड सेकेंडली वो आपको वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करेगी जब आप सो जाओगे। अगर आप उसमें ग्रीन टी डालना चाहते हो, आप ग्रीन टी भी डाल सकते हो, बट मैं नॉर्मल वार्म वाटर पी रही थी। इस सब करने के बावजूद अब आप देख सकते हो कि ये था मेरा day 1 का वेट, जो मैंने चेक किया था, एंड नाउ दिस इज माई फाइनल वेट जो कि है 1 वीक के बाद। आप लोग सोच रहे होगे कि मैं घर का खाना खा रही थी, उससे वेट लॉस कैसे होगा? गाइस, घर का खाना इज द बेस्ट, क्योंकि हमारी जो जीन्स हैं, हमारी जो बॉडी है, वो जिस डाइट के लिए बनी है, हमें उसे उसी डाइट पे रखना चाहिए। अगर आप लोग को भी लगता है कि आप भी ये 1 वीक चैलेंज लेना चाहते हो, सो देन एक्सेप्ट इट, एंड मुझे कमेंट करके बताना 1 हफ्ते के बाद कि आप लोगों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और आपका वेट लॉस कितना हुआ। सिर्फ यही है, सिर्फ दिन में 1 ही टीस्पून शुगर ले सकते हो, घर का खाना खाना है, नो जंक फूड एट ऑल। यस, मैंने ये चीज मेंशन नहीं करी, नो जंक फूड एट ऑल, बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना, नो कोक और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सिर्फ पानी पी सकते हो और वार्म वाटर हो तो दैट्स बेस्ट, क्योंकि अब आगे विंटर्स आ रही हैं, तो वार्म वाटर पियोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और या दैट्स इट, घर का खाना खाओ और एक्सरसाइज करो। दिन में आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करनी ही करनी है अगर आपको 1 हफ्ते में इतना वेट लूज करना है तो। अदरवाइज अगर आपको धीरे धीरे करना है तो आप दिन में आधा घंटा भी करोगे, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट इनफ। चलो, अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू हेयर, क्योंकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लाती रहूंगी अगर ये अच्छी है तो। और आई नो आप लोग को मेरे व्लॉग्स की वेट है, तो मेरे व्लॉग्स बहुत ही जल्द आएंगे गाइज। बस थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दो, मेरे आई प्रॉमिस के इंटरेस्टिंग एंड कंटिन्यूएशन में व्लॉग्स आपके लिए रेडी पड़े हैं। तब तक के लिए नाउ बाय बाय, एंड आई शेल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी।